सो हेलो गाइस, जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी एक्सपेंड होती जा रही है। 2G से 3G, 3G से 4G और 4G से 5G पे आ गई है नेटवर्क स्पीड, जिसमें आप कुछ ही सेकंड्स में एक मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो अभी 5G इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है, बट हर दिन एक नई सुबह और एक नया 5G स्मार्टफोन, क्योंकि कुछ ही महीनों में जब 5G इंडिया के अंदर आएगा तो एक अलग ही ट्रेंड होगा स्मार्टफोन यूज़र्स में। सभी कंपनी अपने मोर एफर्ट लगा के स्मार्टफोन के दीवानों के लिए एक 5G फ़ोन लॉन्च कर रही है, जिससे आने वाले टाइम में यूज़र्स को अपना स्मार्टफोन को चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी जल्दी OnePlus ने अपनी मार्केट बढ़ाने के लिए OnePlus Node को लॉन्च किया, जो कि आपको 5G प्रोसेसर के साथ मिलेगा। और साथ ही OnePlus ने OnePlus Node Lite की भी एक पोस्ट शेयर करी है, जिसके स्पेसिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएंगे, जिसने एक हाइप बना दिया है यूज़र्स के मन में। तो गाइज, ऐसे ही Motorola हर मंथ अपना एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर देता है। तो आज हम बात करेंगे Motorola G5G Plus के बारे में, जिसमें आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 765 का 5G प्रोसेसर, जो कि आपको एक नॉर्मल स्नैपड्रैगन 765G के प्रोसेसर से बहुत ही ज़्यादा अलग देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज Qualcomm कंपनी ने यह बताया कि ये प्रोसेसर गेमर्स के लिए बनाया गया है, जिसमें आप बड़ी स्मूथली कोई भी गेम प्ले कर सकते हैं, वो भी फास्टेस्ट स्पीड के साथ। साथ ही इसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस की एक सिनेमैटिक स्क्रीन मिल जाएगी, वो भी 19Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। अगर बात करें इसकी बैटरी की, तो आपको इसमें 5000mAh की बैटरी मिलेगी, वो भी 20W के डुआल चार्जर के साथ, जो कि आपको 2 डेज का बैकअप देगी, जिसमें आप बड़े आराम से कोई भी मूवी देख सकते हैं। साथ ही बात करें इसके कैमरा सेटअप की, तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा होगा 48MP का, सेकंड होगा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, थर्ड होगा 5MP का मैक्रो लेंस, एंड फोर्थ होगा 2MP का डेप्थ सेंसर। और इसमें आपको सामने की तरफ डुअल सेल्फी कैमरा मिलेगा, वो भी डुअल पंचुअल के साथ, जिसमें आपको पंचुअल अलग अलग मिलेंगे, जिसमें आपको मेन कैमरा मिलेगा 16MP अलोंग विद 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। सो गाइज, आपको इस स्मार्टफोन में एक परफेक्ट कैमरा सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाता है। वहीं ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिलेगा सर्फिंग ब्लू कलर में, जिसका वेट होगा कोई 207 ग्राम के लगभग। अगर बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो ये बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन सेप्टेम्बर के एंड वीक में लॉन्च होगा, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा 6GB रैम एंड 64GB की इन बिल्ट स्टोरेज के साथ, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस बताया जा रहा है 29,000 रुपीज़। तो दोस्तों, अगर फीचर्स की बात करी जाए तो ये एकदम परफेक्ट फ़ोन है, बट इसे हम वैल्यू फॉर मनी फ़ोन नहीं कह सकते, बिकॉज इसी प्राइस रेंज में आपको इससे भी अच्छे स्पेक्स वाले फ़ोन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अवर